आगरा में भी कलेक्ट्रेट पर किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन। कल सोनभद्र जाते हुए प्रियंका गांधी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार, जिसके बाद देश भर में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस नेता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रदेश में खुलेआम गुंडई चल रही है, ये लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश है। इसी के विरोध में अलग अलग जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आगरा के कलेक्ट्रेट पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान मौजूद रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, अनुज सिबहरे प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस, रविंद्र सिंह मीनू चेयरमैन आगरा मंडल, सूचना अधिकारी, काफी लोग मौजूद रहे। तो आगे हमारा हाईकमान जो निर्देश हमें देगा, जिस तरह से हमें निर्देश देगा, उस तरह से हम कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इधर कर लेना, इसमें नहीं है, क्या बोलिए। आज हम राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से सोनभद्र में हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी, उन्हें अकारण रोक दिया गया है और उन परिवारों से मिलने नहीं दिया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग करी है कि उन्हें मिलने दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो परिवार पीड़ित हैं उनको न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की। अगर आपके आज कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया है, क्या है? जिला कांग्रेस कमेटी आगरा द्वारा उसके विरोध में उनको ज्ञापन दिया गया है, देखिए। हम सबको पता है कि जिस प्रकार से सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जिला है, जहाँ की 10 मदद जमीन के लिए की गई, प्रभारी प्रियंका गांधी जी जब वहाँ उनसे मिलने के लिए, पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जा रही थी, तो उनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी अभी पढ़ा कि उस चिनार के जो किला है उसमें बिजली और पानी काट दिया गया है, अंधेरे में वो रात भर बैठी रही है। क्या इस सरकार को शर्म नहीं है? बिल्कुल भी, जरा भी हया नहीं है। इतनी बेशरम सरकार है कि प्रियंका गांधी गरीबों से, जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने जा रही थी, तो रोकने की क्या बात है? उन्होंने कहा कि मुझको मत रोकिए, अपराध को रोकिए। मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी को मत रोकिए, कांग्रेसियों को मत रोकिए। जो लोग मरे हैं उनके लिए सोचिए, जमीन के टुकड़ों के लिए लोग मर रहे हैं। अभी देखिए, मैं एक लोकल बात कहती हूँ कि सेंट जॉन्स के चौराहे पर एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे जमीन बढ़ा ली गई है, मेरी निगाह आज ही पड़ी गई है। तो जहाँ देखो वही जमीन बढ़ाने का काम चल रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, गंदी राजनीति कर रही है। मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ कि ये सरकार उन प्रियंका गांधी जी को मिलने दे और जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने वाली है उसको अपने हाथों में लाए।